कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एकदम पूरा तैयारी तो जम आ गया कलर का भी बहुत जल्द होने वाला है पंद्रह को ऐसा है पेपर उसका पीओ में भी टाइम है पंद्रह दिन समय बचा हुआ है, है ना लेकिन मैं रोज एक नया दो बजे नया दो बजे किया मतलब दो बजे नया मस्त क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन जो कि पिछले पैटर्न पे पूछा गया उसी के आधार पे लाते हैं है ना और बताते हैं ताकि मतलब एक आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन मेंस में आता है और क्यों कई लोग मेंस क्रैक नहीं कर पाते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है सब बात करेंगे आइए तो सबसे पहले एकदम पूरा आज भी बहुत धांसू क्वेश्चन लेकर के आए ना एकदम पूरा बस आप लोग एकदम पूरा ताली बजा दीजिएगा पक्का एकदम है ना चलिए पॉजिटिव कोट के साथ शुभारम्भ करते हैं एकदम कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार वाह 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 कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी यार हो के निराश मत बैठना मेरे यार बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम पा लेती है मंजिल चिटी भी गिर गिर कर कई बार आपने तो देखा ही होगा जैसे यहाँ पे एक बना देते हैं पहाड़ है ना चीटी चीटी यहाँ से आ रहा धरो फिर गिर जाता है फिर गिर जाता है फिर गिर जाता है फिर गिर जाता है, है। सच लेकिन एक बार आता है समय चढ़ जाता है एकदम हौसला बुलंद करके रखना है यार कैसे नहीं होगा एकदम है ना क्वेश्चन दिखाऊं यहाँ तक अगर बने हैं ना तो लाइक तो जरूर ठोक दीजिए ना यार कहा गया क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन एस बी आई पी ओ में पूछा भी गया है है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये ताकि अगर देखिए सिंपल सा बात है पजल अगर नहीं बनता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने से ना अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हैं तब तो आप सॉल्व कर पाइएगा ना अन्यथा ना ठल्ले बाबा हो जाएगा सीधा एकदम तो। ना पजल बनेगा ना ई बनेगा तो कहाँ सब बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना चलिए आइए दिखाते हैं एकदम पूरा इसमें क्या कहा जा रहा है देखो सिंपल सा बात है ये डाटा दिया हुआ है ना ठीक है इसको स्टेप वन टू थ्री फोर्थ चार स्टेप के अकॉर्डिंग बदल देना हाँ बदल दीजिए कोई दिक्कत वाला बात है हम जा रहे हैं बाय बाय टेक केयर ऐसा नहीं है यही तो स्टेप में लोग कन्फ्यूज ही आ जाता है उसमें क्या होता है पता है मतलब मन में ऐसा डाउट में आता है अरे यार हम ये जो कर रहे हैं ना ये सही है कि नहीं है सही ये गलत तो नहीं हो रहा है ऐसे ही अरेंज हो सकता है क्या मतलब इस तरह का ख्याल जो है ना मन में आता है देखिए बात क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेप वन में कहा जा रहा है कि इन द गिवेन स्टेप वन तो बहुत आसान है हर कोई बंदा बंदी कर ले जाएगा इसको लेके चला जाएगा एकदम इन द गिवन सीरीज है ना चेंज ऑल द कंसोनेंट जितना भी कॉन्सोनेंट है ना ठीक है कॉन्सोनेंट है सबको टू सेकेंड सक्सीडिंग मतलब आगे वाले दूसरा से लेटर से बदल देना है जितना भी वोवेल है ना उसको थर्ड प्रीसीडिंग लेटर से कन्वर्ट कर देना है अल्फाबेटिकल सीरीज में फर्स्ट वाले में कहीं कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है सिंपल सा बात है कि अगर कहीं पे कॉन्सोनेंट है तो प्लस टू वोवेल है तो माइनस थ्री समझ में आ रहा है चलिए आ रहा है तो यहाँ पे चार गो स्टेप बनाना है तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं देखो यहाँ पे क्यू है क्यू क्या है देखो सिंपल सा बात है ऐसे करोगे ना कि क्यू में अगर दो जोड़ना है तब ऐसे गर्बा गर्ब हो जाएगा है ना गर्व मतलब तो थोड़ा सा जैसे क्यू किस पे आता है सत्रह पे आता है सत्रह में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा उन्नीस उन्नीस पे क्या आता है उन्नीस पे अताइस आगे क्या है ओ है ओ है पंद्रह पंद्रह में से तीन घटाएंगे तो आ जाएगा बारह पे ठीक है ई है पांचवा पे पांच में से तीन जाएगा दो आ जाएगा है ना जे है दस पे है यहाँ पे आपको देखते रहना है हम ये बोलेंगे यहाँ पे छाप देंगे एकदम है ना जे दस पे आता है तो जस्ट दस में जोड़ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बारह बारह पे क्या होता है एल होता है एल जे के बाद क्या एन एन होता है चौदह पे चौदह पे दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सोलह हो जाएगा फिर एन के बाद पी है सोलह में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा अठारह हो जाएगा फिर पी के बाद टी है टी में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाईस हो जाएगा फिर आई है मतलब नौ पे नौ पे में से तीन घटाएंगे तो छः पे क्या हो जाएगा छः पे हो जाएगा एफ हो जाएगा फिर उसके बाद है जेड देखो अब जेड आ गया ना छब्बीसवें पे आ गया उसमें दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये ना राउंड फिगर में चलते चलता है मतलब ए बी सी डी पूरा जेड तक जाएगा फिर से ये आना शुरू हो जाएगा है ना तो जैसे छब्बीस के बाद दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए और बी हो जाएगा सिंपल है ना फिर जेड हो गया फिर ई e है है ना ई e. पाँचवें तो फिर क्या हो जाएगा पाँच में से तीन घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा है ना फिर उसके बाद ए है ए है देखो अब यहाँ पे कई लोगों को ये यहीं पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि ए में से अब तीन कैसे घटाएंगे नहीं घटेगा ना देखो छब्बीस लेटर होता है छब्बीस में एक जोड़ दो इसको कितना हो जाएगा सताईस सत्ताईस में से तीन घटा दो कितना आ जाएगा चौबीस चौबीस पे क्या हो जाएगा चौबीस पे आ जाएगा एक्स और कुछ मत सोच लेना है दो बार एक्स है ना और एक्स हो गया ना ये वाला ए हो गया फिर उसके बाद एल है एल एल एल, एल हो गया बारह बारह में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चौदह चौदह पे क्या होता है चौदह पे होता है एन होता है भाई एल के बाद क्या है आर है ना आर आर अठारह अठारह में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बीस बीस पे क्या होता है टी होता है आर के बाद क्या है वाई वाई होता है कितना पे पच्चीस पे पच्चीस में दो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सत्ताईस मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए हो जाएगा है ना उसके बाद वाई के बाद है डी डी में होता है चार चार में दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा छः छः क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा है ना डी हो गया फिर एच मतलब आठ आठ में दो जोड़ेंगे हो जाएगा दस हो जाएगा है ना इसके बाद सी सी में तीन में दो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच पाँच पे क्या हो जाएगा पाँच पे हो जाएगा ई हो जाएगा है ना अभी लिखते हैं सी हो गया फिर आई में से फिर से तीन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा छः पे छः पे क्या हो जाएगा छः पे हो जाएगा एफ हो जाएगा फिर एक से चौबीस चौबीस में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा छब्बीस फिर ओ में पंद्रह में तीन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बारह फिर उन्नीस में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इक्कीस फिर W में दो जोड़ने क्या हो जाएगा होता है पे होता है दो हो था क्या हो जाएगा? हो जाएगा। देखा पहला स्टेप कैसे बनता है समझ में आया कि नहीं आया चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर सेकेंड स्टेप का कहा जा रहा है कि एवरी फोर लेटर ठीक है हर एक फोर लेटर फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट से मतलब से इंड आर रिवर्स इन द गिवन सीरीज देखो चार चार को हम इसमें पेयर में ये कर लेते हैं एक आ, दो तीन चार एक दो तीन चार यहाँ तक आ गया एक दो तीन चार यहाँ पे आ गया फिर एक यहाँ से शुरू है खराब कितना हो गया कम हो गया क्या एक दो तीन चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस इधर कितना है भाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चार छक्का चौबीस एगो कोई कमा है? कौन कमा है भाई देखना पड़ेगा देखो यही लोचा लग गया फिर से चेक करना पड़ेगा ठीक है सब बाएँ से ही चेक करते हैं क्योंकि उधर तो ठीक है था बी डी हो गया डब्ल्यू एक्स वाई हो गया उन्नीस दो इक्कीस हो गया पंद्रह दो देखो यही छूट गया था नहीं ठीक तो पंद्रह में तीन घटाएंगे तो बारह पे आ ही गया चौबीस दो छब्बीस हो ही गया छः हो ही गया तीन दो पाँच हो ही गया एच आठ दो दस हो ही गया डी चार दो हो गया फिर वाई पच्चीस है ना पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ए हो ही गया अठारह दो बीस हो ही गया एल है मतलब बारह दो चौदह एन हो ही गया फिर ए में से दो गर, तीन घटाएंगे आएंगे तो सत्ताईस से छब्बीस हो ही गया एम है एम में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यही गड़बड़ है ना एम में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तेरह में दो जोड़ेंगे तो पंद्रह एम कहाँ पर है ये यहाँ पे है पंद्रह यहाँ पे हो जाएगा है ना एक मिनट लाइन फिर से यही गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है लो जी तब न चार चार का पेयर बनेगा हो गया एक दो तीन चार फिर यहाँ से एक दो तीन चार ये हो गया फिर एक दो तीन चार एक दो तीन चार हो गया फिर आ, दो ये हो गया दो ये हो गया ये इसे क्या हिलना है जी माउस से हिलता है इससे भी हिलने लगता है क्या ये दो हो गया उधर का फिर ये दो हो गया इधर का हो गया ना सेकेंड स्टेप में क्या करना है सबको ना रिवर्स में ले चलना है रिवर्स गियर लगा दीजिए पिच मुड़िया एकदम तो ये क्या हो जाएगा एल बी एल एस क्या हो जाएगा एल बी एल एस फिर जैसे एफ वी आर पी रिवर्स एकदम एफ वी आर फिर वर्ष में एक्स ओ बी बी किसकी बीवी है किसकी बीवी है एक्स ओ बी बी बीवी पे बहुत मुस्कान आ रहा है जी हाँ कमेंट करने में पता नहीं क्या हो जाता है एफ ए टी एन क्या हो जाएगा एफ ए टी एन इधर से क्या है जेड एफ ई जे जेड एफ ई जे फिर इसके डी वाई यू एल डी वाई यू एल हो गया एंड स्टेप दो कंप्लीट हो गया स्टेप तीन में क्या कहा जा रहा है देखो ध्यान से समझने वाली बात है इफर प्लेस वैल्यू है ना अपना लेटर तो जितना भी लेटर है सबका प्लेस वैल्यू प्राइम नंबर होता है प्राइम नंबर पता है ना ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर होता है है ना प्राइम नंबर है एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज में है ना देन द दे चेंज टू द नेक्स्ट उसको नेक्स्ट से कर देना है ठीक है इमीडिएट नेक्स्ट से लेटर्स इन द इंग्लिश कंटिन्यू दिस स्टेप आंटिल नो लेटर विद द प्लेस ऑफ द प्राइम नंबर देखो ये यहीं पे बहुत लोगों को संतानवे परसेंट बच्चा को नहीं समझ में आएगा तीन परसेंट बच्चा एकदम समझ लेगा आपको समझ में आ रहा है मतलब तीन परसेंट में तो नहीं कोई दिक्कत वाला बात देखो सिंपल सा बात है इसमें यह कहा गया है कि जैसे देखिए जैसे यहाँ पे है बी है ना तो बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है होता है दो है ना तो दो में हमको एक जोड़ना है तो क्या आ जाएगा तीन अब देखो तीन बी अब क्या है तीन भी प्राइमरी नंबर है दो भी प्राइम नंबर है तीन भी प्राइम नंबर है दो से तो तीन की हैं अब तीन हमको प्राइम नंबर पे नहीं छोड़ना है इसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा डी जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे हो जाएगा डी जैसे मान लेते हैं अगर यहीं पे रहता अगर जे है है ना तो जे प्राइम नंबर जे नहीं के के ग्यारह पे है ना प्राइम नंबर ठीक है तो इसमें सीधा के में एक जोड़ देंगे एल हो जाएगा क्योंकि बारह जो है तो बारह तो प्राइम नंबर नहीं है ना मतलब अगर लगातार दो प्राइम नंबर आएगा ना तो उसको हम एक और उसमें जोड़ देना वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कंटिन्यू दिस स्टेप अनटिल नो लेटर विद द प्लेस वैल्यू ऑफ द प्राइम नंबर है ना तब तक करना है जब तक मतलब प्राइम छोड़ना नहीं है उसमें सिंपल सा बात है तो प्राइम नंबर कहाँ पे हो जाएगा भाई बाकी तो ज्यों का त्यों हो जाएगा ना प्राइम नंबर देखो कहाँ कहाँ पे एक बी हो गया एक उन्नीस पे हो गया ये उन्नीस ये तो छः हो गया ये बाईस हो गया अठारह हो गया सोलह हो गया चौबीस हो गया पंद्रह हो गया फिर से ये हो गया बीबी किसकी बीबी ये पता नहीं चलता यहाँ पे ये एफ तो छः हो गया फिर ये एक तो प्राइम नंबर है नहीं बीस है चौदह है छब्बीस है फिर तो उसके बाद ये छः है फिर ये पाँच है ठीक है दस है ये नहीं है चार है बाकी है देखो तो बाकी इस सब का चेंज करेंगे ऐसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा एल हो जाएगा बी के जगह पे क्या लिखा जाएगा डी डी क्यों लिखाएगा क्योंकि बी में अगर एक जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो तीन होता है ना तो तीन भी क्या है प्राइम नंबर ही है है ना इसीलिए दो जोड़ देना है इसमें फिर एल हो गया यहाँ पर देखो अब एस उन्नीस पे है ना तो उन्नीस में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बीस तो यहाँ पर सीधा टी हो जाएगा एफ हो गया वी हो गया आर हो गया पी हो गया एक हो गया ओ हो गया फिर उसके बी बी जहाँ पे बी बी है वहाँ पे डी टी कर दो फिर यहाँ पे आ जाएगा एफ हो जाएगा ए हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा फिर जेड हो जाएगा एफ हो जाएगा जहाँ पे देखो ई e है ई तो e में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा एफ टाइम नंबर नहीं है फिर यहाँ पे जे हो गया फिर डी हो गया फिर वाई हो गया यहाँ पे यू हो गया एल हो गया स्टेप थ्री हो गया एकदम पूरा कंप्लीट स्टेप फोर का बात करते हैं स्टेप फोर में क्या कहा गया है इफ़ ए लेटर इज रिपीटेड मान लीजिए कोई भी लेटर रिपीट होता है ना मतलब दो बार आता है देन रिटेन वनली द फर्स्ट एपियर जो पहले आता है ना उसको लिखना है फ्रॉम द लेफ्ट इंड एंड रिमूव द रिपीटेड अकरेंस जैसे मान लीजिए दो बार एल आता है तो पहला वाला एल को लिखना है बाद में जो अलग है उसको हटा देना है. तो वही बात यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या है जैसे एल यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ एक बार एल लिखाएगा बाकी एल नहीं लिखाएगा डी का बात करते दे तो डी पहला बार तो डी लिखाएगा ही लिखाएगा और दूसरा बार एल हमको नहीं लिखना है सीधा एल हट जाएगा क्या जाएगा, हो जाएगा टी हो जाएगा टी के बाद लिखेंगे एफ ठीक है ना एफ के बाद क्या लिखेंगे वी वी के बाद क्या लिखेंगे आर आर के बाद क्या लिखेंगे पी पी के बाद क्या लिखेंगे एक्स एक्स के बाद क्या लिखेंगे ओ अब यहाँ पे देखो डी पहले लिख लिए हुए है ना तो इस दोनों डी डी को हम नहीं लिखेंगे दिल वाले दुल्हनिया को हम एकदम नहीं लिख सकते हैं एफ पहले लिख दिए है ना एफ से फैन तो यहाँ पे इस वाले एफ को नहीं लिखना है हमको ए पहले लिखे हैं नहीं लिखे हैं तो ए यहाँ पे लिख देना है टी पहले ही लिख दिए टेलीफोन है ना तो टी यहाँ पे नहीं लिखना है एन लिखे हैं नहीं लिखे एन नहीं लिखे तो एन को यहाँ तो पे लिख देना है जेड पहले लिखे हैं नहीं लिखे तो जेड को यहाँ पे लिख देना है एफ एफ तो पहले लिखा गया तो ये दोनों एफ नहीं लिखाएगा जे पहले लिखे हैं क्या जे नहीं लिखे तो जे लिखा जाएगा है ना डी तो पहले लिखे हैं तो डी नहीं लिखाएगा वाई नहीं लिखा है ना तो वाई लिखा जाएगा यू कहीं है यू नहीं है तो यू हो जाएगा एल तो पहले लिखा ही गया फोर स्टेप यही कहा जा रहा है गाय जगह सेशन पसंद आया ना कल जोड़ के बिनती एकदम देखो प्यारा सा कमेंट कर दिए स्माइली वाला एकदम मज़ा आ जाएगा देख कर के जितना लोग देखिएगा ना कम से कम आप लोगों से यहाँ तक देखे है ना तो आपको एकदम तहे दिल से धन्यवाद बस आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट चाहिए अपने भाई का सपोर्ट कीजिए जो भी आप भाई बहन जो भी देख रही हैं ना कृपया करके एकदम अगर कुछ बताने में तरीका में गलत आया होगा तो कमेंट कर दीजिए उस चीज़ को हम सुधारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना सेशन पसंद आए हैं जो आप इसको शेयर करें चैनल पर पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना नहीं भूलना है एकदम घंटा बहुत ज़रूरी है ठीक है ऐसे वाला घंटा वो घंटा दोनों घंटा बराबर है दोनों को उतना तो ही महत्व है है ना घंटा दबाना ना भूलिए और घंटे से के अकॉर्डिंग अपने समय से आ जाइए बायटिक केयर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बायबैटिक केयर